वेलकम बैक टू द चैनल एवरी वन, हाउ आर यू? आई होप अच्छे ही होंगे। राइट नाउ द टाइम इज़ 5 AM और हम सब जा रहे हैं पेलहर डैम। अभी पेलहर डैम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वो एक मस्त लोकेशन है। एक्चुअली वो भी एक रीज़न है, बट द मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ पेलहर डैम 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे है जहाँ पर हम रहते हैं, और हम लोग को आज 100 किलोमीटर्स करना है, तो इसके लिए हम लोग जा रहे हैं पेलहर डैम। गुड मॉर्निंग। हाय, चलो चलो 520 हो गया और नहीं। पेलहर डैम इज़ ऑन मुंबई अहमदाबाद हाईवे नियर वसई। सो इस रूट पे ना क्लाइम्स नहीं है, इट इज़ अ रोलिंग टेरेन। सो अभी इस रूट पे हम इतनी बार आ चुका हूँ कि धीरे धीरे पता चलने लगा है कि आफ्टर दिस टनल एक फ्लाईओवर छोड़ के आता है भजनलाल डेरी, जो एक फेमस स्पॉट है अमॉन्ग साइक्लिस्ट। हो गया है 46, तो अभी 50 किलोमीटर से रिटर्न अपन क्या टाइम टारगेट कर रहे हैं? 9:30 PM। यहाँ इस ब्रिज के नीचे से हमें टर्न लेना पड़ेगा पेलहर डैम जाने के लिए। आई होप पेलहर डैम का रूट अच्छा हो क्योंकि वो एक विलेज के अंदर से होने वाला है। सो लेट्स सी। 500 किलोमीटर ऑफ रोडिंग। अरे रोड पे प्रॉब्लम है जो। हाँ रे। दादा ने बंद कर दिया। दादा बोले मेरा स्पीड का बैन बच गया। तो जाते वक्त कवर कर लेंगे। अरे मुझे नहीं पता, आई एम कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो जा, अभी हम लोग पहाड़ के पास जा रहे हैं। और वो फोटो देख के ये तो एक्सपेक्ट करना है कि एकदम रोड क्या एकदम भारी नहीं रहेगा। क्या पता ना, यही असली पानी इसके ऊपर से जा रहा था, उसका फोटो भेजा है तुमको। कैसे आ रहा है? चल चल के चल के आ रहा है, लग रहा है पूरा कीचड़ है। उधर पैर नीचे रखा, मतलब चलो चलो फटक से कर करके आते हैं। फोटो की रुकने का नहीं, 2 मिनट में निकलना है। हाँ, एक सेल्फी लेने का, एक फोटो लेने का। इतना दूर आए कीचड़ में, एक फोटो तो बनता है यार। दादा को परेशानी हो गई, अभी क्या करेंगे। देखो साइकिल के साथ ना हाइक भी है। वी आर डूइंग हाइकिंग। हाँ अभिजीत, फोटो वॉल नॉट सेट। ओ
कीचड़ रोड है बट वही नॉन स्टॉप जाना चाहिए तो प्रॉब्लम है, रुकना नहीं है मुझे नहीं तो वापस वाटरफॉल में जाना पड़ेगा। आते वक्त निकाला निकाला आते वक्त भी निकाला जाते वक्त आते हो जल्दी निकल गए जाते हो टाइम लगा। चलो रेडी रेडी गो। अभी तो टाइम इज 8 AM, अभी थोड़ी देर में धूप बढ़ने लगेगी, फिर डिहाइड्रेशन के चांसेस और बढ़ सकते हैं। सो 9 बजे के पहले हम सबका एम है कि जितना डिस्टेंस कवर कर सकते हो कर लो। टाइम होगा चले। यहाँ से हम 30 किलोमीटर्स फ्रॉम होम और अभी ये है घोटबंदर रोड क्लाइंब। कुछ दिनों पहले कनिष्का जी ने कमेंट्स में पूछा था कि हाउ इज़ दिस रोड, इज़ इट सेफ टू साइकिल। सो ये आप देख सकते हो, अच्छा रोड है, इट्स अ प्रॉपर हाईवे। आई वुड से जस्ट डोंट कम हियर अलोन ड्यूरिंग द नाइट। अभी हम एंटर कर चुके हैं हमारा रेगुलर राइड्स वाले रोड एट मुलुंड टोल नाका। ओनली 10 किलोमीटर्स मोर टू गो। ओके, सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। मैं आपको मिलूँगा ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप साइकिलिंग।